हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं इतिहास का एक टॉपिक, महमूद गजनबी के आक्रमण के बारे में। ठीक दोस्तों, अगर इसके हम आक्रमण के बारे में बात करें महमूद गजनबी के, तो विद्वानों में अभी भी मतभेद है कि इसने कितनी बार आक्रमण किया था और कब कब किया था। लेकिन एक इतिहासकार जिसका नाम है हेनरी इलियट, क्या नाम है उसका, नाम है हेनरी इलियट, और हेनरी इलियट ने बताया कि जो महमूद गजनबी था इसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था, और 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक। ठीक, और इसी हेनरी इलियट के बताए गए बातों को ही लोग मान्यता देते हैं, बाकी अन्य का किसी का कुछ दूसरा कहना, किसी का कुछ दूसरा कहना। ठीक, आइए हम देखते हैं जो हेनरी इलियट ने बताया है कि महमूद गजनबी ने कुल भारत पर आक्रमण किया था 17 बार 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के मध्य। ठीक, इसके पहले हम देखते हैं कि कैसे तुर्कों का आक्रमण हुआ था। तो आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि तुर्क सत्ता का भारत में स्थापना का जो श्रेय था ये किसको जाता था, तो जाता था, नाम था उस व्यक्ति का अल्पतगिन। अल्पतगिन नाम था, अल्पतगिन ने ही सबसे पहले क्या किया था, भारत में तुर्क सत्ता की यानी गजनी साम्राज्य की स्थापना किया था। इसी का एक उत्तराधिकारी बना जो इसी का दास था और दामाद था, उसका नाम था सुबुक्तगिन। नाम क्या था उसका, नाम था सुबुक्तगिन नाम था, और सुबुक्तगिन के दो पुत्र थे, एक इस्माइल था, दूसरा कौन सा था, तो महमूद था। महमूद ने अपने छोटे भाई इस्माइल को जबरन आक्रमण करके गजनी पर कब्जा कर लिया, यानी अगला जो शासक बना सुबुक्तगिन का उत्तराधिकारी गजनी का, इसका नाम क्या था, तो महमूद गजनी। क्या नाम था, महमूद गजनवी कहा गया, गजनवी इसको कहा गया। ठीक, अगर हम सुबुक्तगिन के बारे में बात करें तो क्वेश्चन आता है भारत पर सबसे पहले तुर्क आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था, तो किसके नेतृत्व में हुआ था, तो वह था सुबुक्तगिन। कब हुआ था, 986 ईस्वी में, 986 ईस्वी में सुबुक्तगिन ने क्या किया था, पंजाब का एक शासक था, हिंदू शासी शासक था, जिसका नाम था क्या चीज, तो वह था जयपाल। हिंदू शासी राजा का नाम क्या था, जयपाल, जयपाल था। जयपाल पर इसी ने सबसे पहला आक्रमण किया था, जो भारत में होने वाला सबसे प्रथम तुर्क आक्रमण था और सफल था। ठीक, इसके बाद जब महमूद गजनवी का समय आता है, कब समय आया है, तो इसका समय है आया है 998 ईस्वी से लेकर, इसका समय चलता है 1030 ईस्वी तक, 1030 ईस्वी में इसकी हो जाती है मृत्यु, किसकी, महमूद गजनी की, और इसी के आक्रमण के बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक, आइए देखते हैं कि जो 17 आक्रमण किया था उसमें महत्वपूर्ण आक्रमण थे कौन। ठीक, सबसे पहले ये देखिएगा, ये कुछ भारत का मैप बना हुआ है, और भारत से ये लगा हुआ है पाकिस्तान का मैप, और ये है कौन सा मैप, किस देश का मैप, तो अफगानिस्तान का है। ठीक, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। लेकिन अगर हम इस समय की बात करें 1000 ईस्वी 1027 ईस्वी की, तो इस समय जो पाकिस्तान था वो किसमें मिला था, भारत में, क्यों, चूंकि भारत से अलग हुआ है पाकिस्तान 1947 में, इसके पहले तो भारत का ही हिस्सा था। लेकिन अफगानिस्तान की बात करें, यही अफगानिस्तान में ही अल्पतगिन ने सबसे पहले गजनी की स्थापना किया था। ठीक, तो जो प्रथम आक्रमण था महमूद गजनबी का, उसने सबसे पहले गजनी के चारों तरफ के जो छोटे छोटे शासक थे, यानी इसके जो सीमावर्ती शासक थे, इस पर आक्रमण किया था। इसने प्रथम आक्रमण कब किया था, तो 1000 ईस्वी में, 1000 ईस्वी में महमूद गजनबी का जो प्रथम आक्रमण हुआ था वह गजनी साम्राज्य के सीमावर्ती इलाकों में हुआ था। लेकिन इसको वहाँ पर विशेष फायदा नहीं मिला, विशेष फायदा मतलब हीरे जवाहरात या जो सोना चांदी है ये इसकी प्राप्ति नहीं हुई। दूसरा आक्रमण ये कब करता है, तो दूसरा आक्रमण इसका होता है 1001 ईस्वी में। कौन सा आक्रमण था, तो इसका यह आक्रमण था सेकंड आक्रमण, यानी दूसरा आक्रमण इसने किया था 1001 ईस्वी में, वही जो पंजाब यानी पाकिस्तान क्षेत्र का एक हिंदू शासी शासक था, जिसका नाम क्या था, जयपाल।
जयपाल नाम था। और 1001 ईस्वी में इसने क्या किया, महमूद गजनवी ने दूसरा आक्रमण कर दिया किस जयपाल के ऊपर। जयपाल की जो राजधानी थी वह क्या थी, तो जयपाल की राजधानी थी बहिंद, जयपाल की राजधानी थी बहिंद, या इसी को कहा गया उद्भांडपुर। इसकी राजधानी क्या थी, बहिंद या उद्भांडपुर थी। और इसने क्या किया, महमूद गजनी ने इसके राजधानी पर आक्रमण कर दिया। तो दोनों का आमना सामना हो गया पेशावर में, ठीक, किसका किसका, जयपाल का और किसका, महमूद गजनवी का। दोनों में युद्ध हुआ और पराजय किसकी हुई, तो जयपाल की इस युद्ध में पराजय हुई। कौन हारा है, जयपाल हारा है। लेकिन जब जैसे जयपाल हारता है, इसकी जो राजधानी बहिंद या उद्भांडपुर है, इस पर कब्जा होता हो जाता है महमूद गजनवी का। महमूद गजनवी का जैसे कब्जा होता है, हारने के बाद जयपाल क्या करता है, महमूद गजनवी से संधि कर लेता है। और जो जो इच्छा, मतलब जो जो आवश्यकता महमूद गजनवी की, इसकी इच्छाओं की क्या करता है, पूर्ति करता। और महमूद गजनवी आक्रमण क्यों करता था, तो इसके आक्रमण का एकमात्र उद्देश्य था लूटपाट करना। इसका मतलब वहां पर जो सोना चांदी हीरा जवाहरात है, इसको लूट कर कहां पहुंचाना, गजनी पहुंचाना, ठीक। इसके एकमात्र क्या था, उद्देश्य था, ठीक। यह क्या किया, समझौते के दौरान जो कुछ इसकी आवश्यकता पड़ी सब कुछ दिया किसने, जयपाल ने दिया। और जयपाल इस बेइज्जती को बर्दाश्त ना कर पाया। कौन सी बेइज्जती, आपको बताया गया अभी सुभुक्तगिन ने क्या किया है, 986 ईस्वी में इसी जयपाल के ऊपर भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किया था, ठीक। और कुछ समय बाद, कितने साल बाद, लगभग 15 साल बाद 1001 ईस्वी में इसी का पुत्र महमूद गजनवी ने भी इसको क्या किया, पराजित कर दिया, धूल चटा दिया। इस बेइज्जती को बर्दाश्त ना कर पाया और नदी में कूद कर इसने अपनी जान दे दी, ठीक। अगला जो इसके जगह पर शासक बना इस जगह का, वो कौन बना है, तो जयपाल का एक पुत्र था जिसका नाम था आनंदपाल। इसका पुत्र का क्या नाम था, आनंदपाल था। आनंदपाल अब बना हुआ है यहाँ का, यानी कि पाकिस्तान का शासक। किसके जगह पर, जयपाल के जगह पर। अगला जो इसका आक्रमण हुआ है, यह किस पे हुआ है, तो हुआ है उच्च पर। उच्च, उस समय उसका नाम क्या था, उच्च का भेजा नाम था। और इस समय क्या है, उच्च नाम है। तो 1004 ईस्वी में इसका आक्रमण होता है, तीसरा आक्रमण किसके ऊपर होता है, तो उच्च के शासक पे होता है। और उच्च का शासक उस समय कौन था, तो उस समय एक शासक था जिसका नाम था बजरा। बजरा पर आक्रमण होता है, तीसरा आक्रमण महमूद गजनवी का किस पे होता है, तो बजरा पर होता, उच्च के शासक पर होता है। और क्यों करता है, इसको सुन लीजिए। जब ये महमूद गजनवी दूसरा आक्रमण करने वाला था, कहाँ पर, जयपाल पर, तो महमूद गजनवी ने उच्च के शासक बजरा से सैनिक सहायता मांगा था, और इसने क्या किया था, इनकार कर दिया था। इसीलिए अब की बार इसने क्या किया, सीधे बजरा पर आक्रमण कर दिया। और जैसे बजरा पर आक्रमण करता है, बजरा डर के मारे भाग लेता, मतलब वो क्या किया, मैदान छोड़ के ही भाग गया। जितना भी लूट सका महमूद गजनवी ने, उतना लूटा किस को, ठीक। और कहां चला गया, पुनः ये चला जाता कहां पर, गजनी। यानी कि जितनी बार ये आक्रमण करता है, लूट पाट कर जितना भी सोना हीरा जवाहरात होता है सब लेके जाता है गजनी, गजनी के विकास करने के लिए, ठीक। कभी भी यह अपने साम्राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए आक्रमण नहीं करता था, या केवल किसके लिए करता था, तो मात्र लूटपाट के लिए करता था, ठीक। अगला जो इसका आक्रमण हुआ है, यह हुआ मुल्तान पर। कब हुआ है, 1005 ईस्वी में हुआ है। और यह है इसका भारत पर चौथा आक्रमण था, महमूद गजनवी का भारत पर चौथा आक्रमण किस पे हुआ है, मुल्तान पर। ध्यान दीजिएगा, मुल्तान भी कहाँ पड़ रहा है, पाकिस्तान में, ठीक। तो मुल्तान पर महमूद गजनवी का चौथा आक्रमण होता है 1005 ईस्वी में। और यहाँ का जो शासक था वह कौन सा था, उसका नाम था फतह दाऊद। यहाँ का शासक था
फतह दाऊद। फतह दाऊद के ऊपर महमूद गजनवी ने चौथा आक्रमण किया है। जब ये बात पता चलती है फतह दाऊद को, तो उसने सैनिक सहायता मांगी, और किससे मांगी, तो आनंदपाल से मांगी। आनंदपाल है कौन, तो आनंदपाल वही जयपाल का पुत्र था। तो इसने क्या किया, आनंदपाल से सहायता मांगी। और इन ये दोनों कौन कौन, तो आनंदपाल और कौन, तो वह है फतह दाऊद। किसने किसने, आनंद पाल और कौन, फतह दाऊद। ये दोनों मिल गए, आमना सामना हो गया किससे, महमूद गजनवी का। यानी कि एक तरफ फतह दाऊद आनंद पाल और दूसरे तरफ कौन, महमूद गजनवी। पुनः ये लोग पेशावर में क्या हुए, भिड़ गए आमने सामने। इस युद्ध में, महमूद गजनवी के युद्ध में, फतह दाऊद आनंद पाल की बुरी तरह से हार होती है। ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या हुआ, इस चौथे आक्रमण में हार हो गई किसकी, फतह दाऊद और आनंद पाल की। इस दौरान फतह दाऊद और आनंद पाल ने कर लिया महमूद गजनवी से संधि। ठीक, जब संधि हुई थी तो उस संधि के दौरान आनंद पाल का एक पुत्र था जिसका नाम था सुखपाल। नाम क्या है, इसका नाम था सुखपाल। ठीक, सुखपाल किसका पुत्र है, आनंद पाल का। महमूद गजनवी ने क्या किया, दाऊद फतह को मुल्तान की सत्ता से हटाकर इसने योजना बनाई कि हम रख देते हैं किसको, सुखपाल को, मुल्तान का शासक। या कह सकते हैं महमूद गजनवी के विचार में आया कि वो क्या करे, फतह दाऊद को हटाकर मुल्तान से वहाँ का शासक नियुक्त कर दे किसको, सुखपाल को। और उसने ऐसे ही रख किया। लेकिन सुखपाल से इसने दो शर्त रखी। शर्त क्या क्या थी, पहला शर्त ये था कि सुखपाल हिंदू धर्म का त्याग करेगा और क्या करेगा, मुस्लिम धर्म को अपनाएगा। ठीक, सुखपाल जो क्या है, तो आनंदपाल का पुत्र है। जैसे इसको पता चलता है कि हमको वहाँ का शासक बनाया जाएगा, ये उछल कूद पड़ रहा है कि किसी प्रकार से बस हमको मिल जाए, कोई भी शर्त हो मानने के लिए तैयार हो गया, किसी प्रकार से बाबू भैया दादा इसको बना दीजिए। और ये क्या करता है, शर्त मान लेता है। और उसके शर्त के अनुसार सुखपाल ने क्या किया, हिंदू धर्म को त्याग कर दिया और मुस्लिम धर्म को इसने कर लिया ग्रहण, और अपना नाम क्या रखा, नौशा शाह। इसका नाम क्या हो गया, नौशा शाह। किसका नाम हो गया, नौशा शाह, तो सुखपाल का। और इसने क्या किया, हिंदू धर्म का त्याग किया, इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लिया। ठीक, अब यहाँ का शासक महमूद गजनवी के द्वारा बना दिया गया किसको, तो नौशा शाह यानी कि सुखपाल को बना दिया गया। जैसे महमूद गजनवी यहाँ से लौट कर गजनी जाता है, तुरंत सुखपाल ने क्या किया, यानी नौशा शाह ने क्या किया, जो शर्त हुई थी कि सुखपाल और किसके, महमूद गजनवी के मध्य, इसने उस संधि का दुरुपयोग कर दिया और इसने क्या किया, जो इस्लाम धर्म ग्रहण किया था उसका त्याग कर सुखपाल ने क्या किया, पुनः हिंदू धर्म को ग्रहण कर लिया। ठीक, अब ये बात जब महमूद गजनवी होता है गजनी, इसको जैसे पता चलता है तुरंत अगले आक्रमण की योजना बनाता है, किसके ऊपर, सुखपाल के ऊपर। यानी कि अगला जो पांचवा आक्रमण हुआ है यह होगा सुखपाल के ऊपर। और सुखपाल इस समय है कहाँ पर, तो इस वक्त वह मुल्तान का शासक है। जैसे पांचवें आक्रमण की भनक लगती है सुखपाल को, तैसे क्या करता है, सुखपाल मुल्तान को छोड़कर चला जाता है जम्मू कश्मीर, यानी भाग जाता है कहाँ को, मुल्तान को छोड़कर। ठीक, तो ऐसे तमाम आक्रमण कब से कब तक है, 1021 से लेकर 1027 ईस्वी तक महमूद गजनवी ने कुल भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। लेकिन इन 17 आक्रमण में सबसे जो मुख्य आक्रमण था वह कौन था, तो गुजरात स्थित, ये आपको एक स्टेट है भारत का दिख रहा है, इसका नाम क्या है, गुजरात है। और यहाँ पर ये जो क्षेत्र दिख रहा है, ये खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, और ये जो पार्ट दिख रहा है गुजरात का, इसको कहते हैं काठियावाड़ प्रायद्वीप। ठीक, उस समय कितना था, समय था 1025 से 26 ईस्वी। कितना समय था, तो 1025 से कितना था, 26 ईस्वी में यहाँ का जो शासक था, कहाँ का, काठियावाड़ क्षेत्र का, राजधानी क्या थी, अहिलवाड़ा थी। और यहाँ का शासक कौन था, तो वह था मूल राज,
कब का समय है? 1025 से 1026 ईस्वी के मध्य का समय है। कठियावाड़ प्रायद्वीप का शासक था मूलराज, और यहीं पर कठियावाड़ प्रायद्वीप में एक मंदिर था जो भगवान शिव का था। इस मंदिर का नाम था सोमनाथ मंदिर। मंदिर का क्या नाम है? मंदिर का नाम है सोमनाथ मंदिर। कहाँ पर था? तो गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर यह कर देता आक्रमण, और यह चौथा आक्रमण था, तो यह था 16वां आक्रमण। ठीक, तो 16वां जो सबसे भयंकर आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने, वह किया था सोमनाथ मंदिर पर। जैसे आक्रमण करता है जो मूल राज है वहाँ से भाग खड़ा होता है, लेकिन जो सोमनाथ मंदिर के पुजारी लोग थे इन्होंने डटकर मुकाबला किया और कईयों हजार पुजारियों का क्या किया, इसने कत्ल किया, और जितना भी हीरा सोना जवाहरात था, क्यों? क्योंकि जितने भी यहाँ पर शासक थे लगभग किसी के पास उतने राजकोषीय खजाने में खजाना रहा होगा जितना कि यहाँ केवल सोमनाथ मंदिर पर था। इसने क्या किया, आक्रमण किया और सोमनाथ मंदिर को पूरी तरह से तोड़ दिया। जितना भी वहां पर हीरे जवाहरात सोना चांदी था उसको लूट कर लेके पहुंच कहां गया, गजनी। ठीक, तो सबसे भयंकर जो इसका आक्रमण था वह कहां पर किया था, सोमनाथ मंदिर पर। यहां का शासक कौन था? तो वह था मूल राज द्वितीय। ठीक, लेकिन जब यह सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया 1025 से 26 ईस्वी के मध्य, तो यहां से जो सामान लूट के ले जा रहा था इसका जो रास्ता था कुछ ऐसे था ऐसे, और यहाँ पर अगर देखें तो ये पड़ क्या रहा, पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान का यहाँ पर एक कच्छ की खाड़ी है, खमात की खाड़ी है, और ये जो पार दिख रहा है यह अरब सागर, ये अरब सागर है, और यहीं पर पड़ रहा है सिंध, सिख सिंध पड़ रहा है। तो जब ये सोना चांदी लूट के सोमनाथ मंदिर से लेके जा रहा था तो यहाँ सिंध के क्षेत्र में एक जनजात निवास करती थी जिसका नाम था खोखरो जनजाति, और यहीं पर जो गुजरात का एरिया है और सिंध का एरिया है यहाँ पर जाट निवास करते थे। इसके द्वारा लूटे गए जो संपदा थी इसको रास्ते में इन लोगों ने क्या किया, लूटने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह से सफल नहीं हुई, लेकिन फिर भी बुरी तरह से इसको तंग किए थे, किसको, महमूद गजनवी को रास्ते में। तो जब यहाँ पर महमूद गजनवी पहुँच गया सोमनाथ मंदिर के आक्रमण को करके, उसके बाद जो 17वां आक्रमण था इसने योजना किस पे बनाई, 17वें आक्रमण की किसके ऊपर, तो जो यहाँ पर जाट है, जाट या जो खोखरो जाट और कौन, जो खोखरो जनजाति है, तो 17वां आक्रमण इसने किया था सिंध के क्षेत्र में, सिंध के क्षेत्र में किसके ऊपर, जाट और किसके ऊपर, तो खोखरो जनजात के ऊपर किया था। और यह 17वां आक्रमण महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण था। यह भी क्या था, तो सफल हुआ था, किसके ऊपर हुआ था, जाटों के ऊपर, किस कहाँ के, सिंध के जाटों के ऊपर। ठीक, तो कुल 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था, और अंत में अंतिम जो आक्रमण था वह कब किया था, तो समय था 1027 ईस्वी का, जो 17वां आक्रमण था। ठीक, इसके 3 साल बाद के कब, तो 3 साल बाद का समय कौन सा आएगा, तो ये आएगा 1030 ईस्वी का, और 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। ठीक दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।